गणपति पुळे की टाइम टू टाइम डिटेल्ड आइटिनरी आपके साथ शेयर करके मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा। इस डिटेल्ड आइटिनरी से आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। आपको और कुछ नहीं करना, केवल इस आइटिनरी को पूरा देखकर फॉलो करना है। तो क्या आप तैयार है? चलो। गणपति पुळे महाराष्ट्र के कोकण तट पर रत्नागिरी जिले में स्थित आम, काजू और नारियल के असंख्य पेड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा शहर है। गणपति पुळे घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी तक है, जब मौसम पर्याप्त रूप से सुखद रहता है। चलिए देखते हैं आपको बैकपैकिंग में कौन सी जरूरी चीजें अपने पास रखनी चाहिए। मुंबई से गणपति पुळे के बीच करीबन 350 किलोमीटर का अंतर है, तो वही पुणे से भी करीब करीब 350 किलोमीटर की दूरी पर ही है। सुबह 6 बजे मुंबई से हम गाड़ी लेकर गणपति पुळे के लिए रवाना होंगे। करीबन 7:45 बजे के आसपास 63 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पनवेल के पड़स्पे फाटा के नजदीक श्री दत्ता स्नैक्स पे चाय नाश्ते के लिए रुकेंगे। यहाँ पर गर्मा गर्म वड़ा, कोथिंबीर वड़ी, मिसल पाव, साबुदाना खिचड़ी, साबुदाना वड़ा, थाली पीठ और ऐसे एक से एक बढ़िया पदार्थ मिलते हैं। पेट पूजा होने के बाद करीबन सुबह 8:30 को हम फिर बढ़ते हैं गणपति पुळे की ओर। करीबन 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दोपहर 1:30 बजे के आसपास हम चिपळूण में प्रवेश करते हैं। आज का लंच हम यही करेंगे। खाना खाने के लिए मैंने 2 रेस्टोरेंट्स शॉर्टलिस्ट किए हैं। चिपळूण में मुंबई गोवा नेशनल हाईवे पर स्थित होटल शिवसागर एक शुद्ध शाकाहारी होटल है। यहाँ पंजाबी, चाइनीज, साउथ इंडियन ऐसे कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन उचित दरों में परोसे जाते हैं। यहाँ मिलने वाला कोकम शरबत और चॉकलेट पान लाजवाब है, जरूर ट्राई करें। होटल शिवसागर में पार्किंग एवं टॉयलेट्स की भी अच्छी सुविधा है। अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं, तो चिपळूण में स्थित होटल अभिषेक एक बेहतरीन विकल्प है। होटल अभिषेक में वेज और नॉनवेज दोनों तरह के महाराष्ट्रीय व्यंजन परोसे जाते हैं। ये चिपळूण का सबसे अच्छा मालवणी रेस्टोरेंट है, जहाँ चिकन, मटन, मछली, केकड़े जैसे कई विकल्प उपलब्ध है। यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ के कोमड़ी वड़े और सोल कड़ी का तो क्या कहना, जरूर ट्राई करें। खाना खाने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं गणपति पुळे की ओर। चिपळूण से गणपति पुळे करीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर है। दोपहर 3 बजे भी निकले तो शाम 6 बजे के आसपास हम गणपति पुळे पहुंच जाते हैं। सर्विस क्वालिटी और बजट को ध्यान में रखते हुए गणपति पुळे में मुझे 2 होटल पसंद आए हैं, MTDC रिसोर्ट और दूसरा अभिषेक बीच रिसोर्ट एंड स्पा। दोनों रिसोर्ट्स गणपति पुळे बीच के ठीक सामने स्थित हैं। इन रिसोर्ट से सीधे बीच पर जाने के लिए रास्ता मौजूद है, जिससे आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी प्राइवेट बीच पर गए हो। दोनों रिसॉर्ट्स का स्टाफ आतिथ्य और सेवा में बहुत तत्पर है। अलग अलग प्रकार के साफ सुथरे कमरे उपलब्ध है, जो काफी अच्छी तरह से सुसज्जित है। इनमें से कुछ कमरे ऐसे भी हैं, जहां से आप अंतहीन समुद्र के दृश्य का आनंद ले सकते हैं। MTDC रिसॉर्ट के बांबू हाउस बहुत लोकप्रिय है। इन दोनों रिसॉर्ट्स में से अभिषेक बीच रिसॉर्ट एंड स्पा थोड़ा महंगा है, तो MTDC रिसॉर्ट्स में आपको आपके बजट अनुसार बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। आज काफी लंबा सफर तय किया है, तो चेक इन करें और फ्रेश हो जाएं। शाम करीबन 7 बजे हम ट्रिप की शुरुआत करेंगे भगवान गणेश के सुंदर दर्शन के साथ। तो चलिए चलते हैं गणपति पुळे का प्रसिद्ध श्री गणपति मंदिर, 15 से 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। रत्नागिरी से 25 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर एक सुरम्य स्थान पर
भगवान गणेश को समर्पित ये मंदिर में गणपति जी की स्वयंभू मूर्ति है। जैसा पुराण में कहा गया है कि भारत के 8 दिशाओं में 8 द्वार देवता है। इनमें मद्रास का वक्रतुंड, केरल का एकदंत, रामेश्वर के पास महोदक, पंजाब का गजानन, कश्मीर का विकट, हिमालय का विघ्नराज, तिब्बत का धूम्रवर्ण और गणपतिपुळे का लंबोदर शामिल है। उनमें से गणपतिपुळे के गणेश देवता पश्चिम दिशा की रक्षा करने वाले अर्थात पश्चिमी द्वार देवता हैं। अन्य हिंदू मंदिरों के विपरीत यहाँ के देवता का मुख पश्चिम की ओर है। कोकण में प्रत्येक मंदिर और देवता के बारे में अलग अलग किंवदंतियां हैं। ऐसे ही गणपतिपुळे के भगवान गणेश की भी एक कहानी है। लगभग 500 साल पहले पहाड़ी की तलहटी में केवड़ा फूल का जंगल हुआ करता था, जहां वर्तमान में स्वयंभू गणपति स्थित है। यहां बाळम भट्टजी भिड़े नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। वे गणेश जी के बड़े भक्त थे। एक बार उनके सामने एक बड़ी व्यक्तिगत आपदा आ गई। अपनी समस्या से मुक्त होने तक भोजन और पानी छोड़ बाळम भट्टजी भिड़े केवड़ा वन में तपस्या और भगवान गणेश की पूजा करने के लिए गए। इस अवधि के दौरान भिड़े जी ने एक सपना देखा, जिसमें भगवान गणेश ने उन्हें बताया कि वे उनके सभी भक्तों को उनकी कठिनाइयों से मुक्त करने के लिए अपने निराकार रूप में आए हैं। इसी दौरान भिड़े जी की एक गाय दूध नहीं दे रही थी, इस कारण चरवाहे उस पर कड़ी नजर रखते थे। एक दिन चरवाहा ये देखकर चकित रह गया कि जिस स्थान पर वर्तमान में भगवान की मूर्ति विराजमान है, उस स्थान पर गाय के थन से दूध बह रहा था। चरवाहे ने भिड़े जी को इस घटना के बारे में बताया। तब पूरे क्षेत्र की सफाई करने पर भिड़े जी को भगवान गणेश की मूर्ति मिली, जो उन्होंने अपने सपने में देखी थी। तब उन्होंने भगवान गणेश का वहां एक मंदिर बनाया और उनकी पूजा करनी शुरू की। धीरे धीरे इस गणपति का महत्व बढ़ने लगा। आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के मंत्री सचिव अन्नाजी दत्तो, सरदार गोविंद पंत बुंदेले, श्रीमंत माधवराव पेशवा, सरदार परशुराम भाऊ पटवर्धन ने विविध कालखंडों में मंदिर निर्माण में योगदान दिया और बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की। अब हाल ही में संस्थान श्री गणपतिपुळे समिति की पहल से भगवान गणेश का भव्य मंदिर बनाया गया। ये मंदिर स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। मंदिर के मुख्य द्वार पर गणेश के वाहन मूषक की एक सुंदर कांस्य प्रतिमा है। दोनों तरफ हाथियों की शानदार प्रतिकृतियां हैं। चूंकि इस पूरे पहाड़ी को गणेश का रूप माना जाता है, इसीलिए इस पहाड़ी के चारों ओर एक परिक्रमा पथ बनाया गया है। ये परिक्रमा पूरी करने के लिए 20 से 30 मिनट लग जाते हैं। गणेश जी के इस प्राचीन मंदिर में लोग भगवान का दर्शन लेने दूर दूर से आते हैं और प्रसन्न होकर जाते हैं। आप भी गणेश जी का दर्शन लेकर प्रसन्न महसूस करेंगे। गणपति बाप्पा के पावन दर्शन के बाद चलिए अब चलते हैं पेट पूजा करने के लिए। कहाँ? होटल समीर। दिखने में साधारण और छोटा रेस्टोरेंट है, लेकिन नॉनवेज प्रेमी, खासकर सीफूड प्रेमियों के लिए ये एक खास जगह है, जहाँ उचित दरों के साथ अच्छी मात्रा में ताजा और स्वादिष्ट भोजन परोसा जाता है। होटल समीर पूरे गणपतिपुळे में लोकप्रिय होने के कारण थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। होटल समीर में वे विविध थाली के नमूने प्रदर्शित कर रखते हैं, ताकि आपको भोजन चुनने में मदद मिल सके। यहाँ पर उपलब्ध चिकन थाली और सारी फिश थालियाँ बहुत बढ़िया हैं। यहाँ की सोल कड़ी तो लाजवाब है। होटल समीर में वेज भी अच्छा मिलता है, लेकिन इसमें सीमित विकल्प उपलब्ध है। क्या हुआ? ओहो, प्योर वेज ऑप्शन चाहिए? टेंशन ना लीजिए, आपके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है मेरे पास, और वो है मेहंदड़ेस स्वाद डाइनिंग, जहां शुद्ध शाकाहारी महाराष्ट्रीय थाली परोसी जाती है। रोटी, सब्जी, दाल, पापड़, दही, कोशिंबीर अचार से बनी ये थाली
बहुत ही स्वादिष्ट होती है। थाली के अलावा आप विशेष व्यंजन जैसे कि श्रीखंड, मोदक, आमरस, सोलकड़ी आदि ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ के मोदक सुपर सॉफ्ट और रसीले होते हैं। जरूर ट्राई करें, मुझे जरूर याद करोगे। और हाँ, अगर आप मोदक का स्वाद चखना चाहते हैं तो आमतौर पर आपको 3 घंटे पहले ऑर्डर देना पड़ता है। महेंद्रे स्वाद डाइनिंग का घर का बना ताजा और गर्म खाना आपका दिल जीत लेगा, एकदम पैसा वसूल। ये दोनों रेस्टोरेंट गणेश जी के मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। अगर मंदिर से 8:30 बजे निकले तो आधे घंटे में करीबन 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। रेस्टोरेंट के स्वादिष्ट खाने का लुफ्त उठाकर चलिए अब हम होटल लौटते हैं। यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो एक लाइक तो बनता है। आपका एक लाइक YouTube भाई साहब को ये संदेश देगा कि ये बड़ी काम की वीडियो है और इसे और लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करेगा। चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लाइक कीजिए। कर दिया लाइक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम नाश्ता करने MK's खाऊकट्टा चलते हैं। होटल से सुबह 8 बजे निकले तो 15 मिनट में 8:15 बजे तक पहुंच जाएंगे। MK's खाऊकट्टा गणपति पुळे में नाश्ते के लिए एक बढ़िया स्थान है। यहाँ गर्मा गर्म वड़ा पाव, मिसल पाव, साबुदाना खिचड़ी, पोहा, उपमा, इडली, ऐसे एक से एक बेहतरीन ऑप्शंस उपलब्ध हैं। जगह छोटी है लेकिन स्वाद और गुणवत्ता एक नंबर। MK's खाऊकट्टा में भरपेट नाश्ता कर सुबह करीबन 9:30 को अब हम बढ़ते हैं कोकण के 500 साल पहले के जीवन को दर्शाने वाला विशाल परिसर में फैला एक आदमकद संग्रहालय जिसका नाम है प्राचीन कोकण। आधे घंटे में सुबह करीबन 10 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। इस संग्रहालय का टिकट मात्र 40 रुपये प्रति व्यक्ति है, जिसमें गाइड का शुल्क शामिल है। अगर आप कैमरे से फोटो लेना चाहते हैं तो आपको 20 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। यहाँ पार्किंग की सुविधा भी है। प्राचीन कोकण में मौजूद गाइडेड टूर आपको कोकण के जीवन के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जैसे विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराता है। प्राचीन कोकण में आपको बहुत अलग अलग तरह के प्रदर्शनी देखने मिलेंगे। इसमें कोकणी ग्राम जीवन के 12 मुख्य सेवा प्रदाता जैसे सुनार, नाई आदि की मूर्तियां शामिल हैं। ये संग्रहालय पेड़ों और प्राकृतिक वनस्पतियों के बीच स्थित है, जिसमें पेड़ पौधों को चिन्हित किया गया है और उनके नाम और जानकारी दी गई है। गोल्डन शावर ट्री या बहवा, चिरौंजी, चंदन, ऐसे 150 तरह के दुर्लभ प्रजाति के पेड़ यहाँ देखने मिलते हैं। संग्रहालय में एक नक्षत्र वन नामक बगीचा भी मौजूद है, जहाँ आप अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार आपके आराध्य पेड़ के बारे में जान सकते हैं। इन पेड़ों के बीच कोकण के घने और समृद्ध जंगलों में पाए जाने वाले वन्य जीव जैसे तेंदुआ, बाघ, पैंगोलिन आदि की मूर्तियां का बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है। हरे भरे इलाके में स्थित इस संग्रहालय में पक्षियों की कई प्रजातियों को देखा और सुना जा सकता है। इसके अलावा प्राचीन कोकण संग्रहालय मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की सुंदर मूर्तियों से सुसज्जित है और आपको उनके जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षणों से रूबरू कराता है। इसी के साथ अद्भुत समुद्री किलों के मॉडल भी यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। इस संग्रहालय में सीशेल्स की भी प्रदर्शनी है, जिसमें 165 से भी अधिक प्रकार के सुंदर सीपों का एक बड़ा संग्रह है। यहाँ आप 20 इंच का सबसे बड़ा शंख, मोती बनाने वाला शंख, औषधीय कौड़ी और पूजा की कौड़ी देख सकते हैं। आपको पसंद आए तो यहाँ से कौड़ी सीपों को खरीद भी सकते हैं। यहाँ कोकण क्षेत्र के सभी स्वदेशी उत्पादों की दुकान भी है, जहाँ आप
कोकण में पाए जाने वाले औषधीय पौधों से बने आयुर्वेदिक उत्पाद कोकणी मसाले, शरबत, अचार, अंबा पोळी, फणस पोळी, आयुर्वेदिक शहद, लकड़ी के खिलौने, शोपीस, पूजा के शंख आदि खरीद सकते हैं। प्राचीन कोकण के अद्भुत सफर के बाद चलिए अब चलते हैं खाना खाने आदित्य खानावळ में। प्राचीन कोकण से अगर हम दोपहर 12 बजे निकले तो 15 मिनट में करीबन दोपहर 12:15 बजे तक पहुंच जाएंगे। आदित्य खानावळ प्राचीन कोकण के ठीक बगल में स्थित है। यहाँ घर का बना पारंपरिक कोकणी शैली का खाना चूल्हे पर पकाया जाता है और इसीलिए इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है। वेज, चिकन और फिश के व्यंजन सभी बहुत बढ़िया मिलते हैं। सी फूड में पापलेट, सुरमई, बांगड़ा, प्रॉन्स, केकड़े जैसे विविध व्यंजन यहाँ उपलब्ध हैं। सभी कमाल हैं। यहाँ की सोल कड़ी और उकड़ी के मोदक का भाई जवाब नहीं। आदित्य खानावळ में मेक टू ऑर्डर अर्थात ऑर्डर देने के बाद ही ताजा खाना बनाया जाता है और इसीलिए यहाँ थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आदित्य खानावळ के स्वादिष्ट घरेलू खाने का लुफ्त उठाकर चलिए अब चलते हैं मैजिक गार्डन जो बिल्कुल आदित्य खानावळ के बगल में ही स्थित है। अगर आदित्य खानावळ से 2 बजे निकले तो 15 मिनट में करीबन दोपहर 2:15 बजे तक पहुंच जाएंगे। गणपति पुळे में मैजिक गार्डन पहला थीम पार्क है जो बच्चों और बड़ों दोनों के घूमने के लिए बढ़िया जगह है। आप यहाँ इन्फिनिटी हॉल, मिरर मेज, वॉर्टेक्स टनल, 3D एडवेंचर शो, होस्ट इन कोकण ऐसे 5 विविध शो का आनंद ले सकते हैं। मैजिक गार्डन का प्रवेश शुल्क 150 रुपए प्रति व्यक्ति है। वॉर्टेक्स टनल जहां आप एक टनल से जाते हो, वास्तव में यहां आप एक ही स्थान पर स्थिर होते हो लेकिन यहां का एनिमेशन आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप एक घने टनल से गुजरते हुए इधर उधर उथल पुथल घूम रहे हो, जैसे कि रोलर कोस्टर राइड्स पर होता है ठीक वैसा ही कुछ अनुभव होता है और आपको चक्कर भी आ सकता है, तो संभल कर आनंद लीजिए। घोस्ट इन कोकण शो जैसे कि नाम से ही पता चलता है एक भयावह हॉरर शो है। मिरर मेज एक भूल भुलैया है जहां ढेर सारे शीशे लगाए हुए हैं। यहां एक बार प्रवेश करने के बाद आपको बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजना होता है। हर जगह लगे दर्पण के वजह से रास्ता खोजने में मुश्किलें आती हैं, लेकिन इसी में ही बहुत मजा आता है। बच्चे और बड़े दोनों यहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। इन्फिनिटी हॉल सेल्फी पॉइंट एक हॉल है जिसमें बहुत सारे शीशे लगे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह, और इसमें अलग अलग लाइट्स भी है जिससे ये जगह बहुत आकर्षक लगती है। यहाँ आपकी बहुत सारी सेल्फी खींच सकते हैं। इसी तरह यहाँ 3D एडवेंचर शो और मैजिक शो भी होता है जिससे आपका पूरा पैसा वसूल हो जाता है। मैजिक गार्डन पूरी तरह से हरियाली से घिरा हुआ है। गार्डन में बच्चों को खेलने के लिए प्ले एरिया भी है। मैजिक गार्डन में अच्छा खासा एंजॉय करने के बाद अब हम चलेंगे गणपति पुळे बीच। मैजिक गार्डन से अगर हम दोपहर 4:30 बजे निकले तो आधे घंटे में करीबन 5:00 बजे पहुंच जाएंगे। समुद्र तट के आसपास पर्याप्त पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध है। हर्षित सुनहरी लहरें और चांदी की रेत का एक लंबा खंड, नारियल और काजू के पेड़ों से घिरा ये गणपति पुळे बीच पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। गणपति पुळे बीच थोड़ा रिस्की माना जाता है, हालांकि यहाँ मौजूद लाइफगार्ड हमेशा ये सुनिश्चित करते हैं कि समुद्र तट पर आने वाले लोग सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी समुद्र के अंदर गहराई तक ना जाएं। गणपति पुळे बीच पर बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स जैसे बनाना राइड, स्पीड बोट, जेट स्की, बम्पर राइड, घोड़ा गाड़ी, ऊंट की सवारी और ATV बाइक राइड्स उपलब्ध है।
तो आप यहाँ वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं या बीच पर लंबी सैर भी कर सकते हैं। बीच पर सशुल्क चेंजिंग रूम्स और बाथरूम्स की सुविधाएं भी उपलब्ध है। वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करने के बाद आप बीच पर आराम से बैठकर थोड़े ही देर में होने वाले सूर्यास्त के मनोरम दृश्य का आनंद ले। क्षितिज में शांति से डूबते सूरज को देखें। जैसे ही सूरज क्षितिज पर ढलता है, आकाश एक धधकती आतिशबाजी की तरह चमकीले रंगों से भर जाता है। एक खूबसूरत दिन को समाप्त करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। गणपतिपुळे बीच पर अपने प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के बाद चलिए अब चलते हैं पेट पूजा करने के लिए भाऊ जोशी भोजनालय। गणपतिपुळे बीच से अगर हम शाम 7 बजे निकले तो 15 मिनट में करीबन शाम 7:15 बजे तक पहुंच जाएंगे। भाऊ जोशी भोजनालय गणपतिपुळे में शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिए एक अच्छी जगह है। यहाँ बैठने की व्यवस्था साधारण है, लेकिन उचित दरों में स्वादिष्ट महाराष्ट्रीय एवं पंजाबी व्यंजन परोसे जाते हैं। महाराष्ट्रीय व्यंजनों में कोथिंबीर वड़ी, कुल्था से पिठले यहाँ की स्पेशलिटी है। यहाँ की सोल कड़ी भी लाजवाब है, जरूर ट्राई करें। यहाँ बैठने की सीमित जगह है और इसीलिए पीक आवर्स में यहाँ थोड़ी बहुत भीड़ हो जाती है। इसीलिए आप फोन करके यहाँ एडवांस बुकिंग कर लीजिए। भाऊ जोशी भोजनालय में खाना खाने के बाद चलिए अब हम होटल लौटते हैं। सुबह 8 बजे तक हम होटल से चेकआउट करेंगे और नाश्ता करने के लिए जाएंगे होटल समाधान। आधे घंटे में करीबन सुबह 8:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। होटल समाधान में बेहतरीन नाश्ता मिलता है। यहाँ का वड़ा पाव, मिसल पाव, कट वड़ा, पकोड़े, ब्रेड पैटिस, डोसा और इडली लाजवाब है, जरूर ट्राई करें। होटल समाधान में नाश्ता कर अब हम बढ़ते हैं मालगुंड बीच की ओर। होटल समाधान से अगर हम सुबह 9:30 बजे निकले तो आधे घंटे में करीबन सुबह 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। यहां पेड़ पार्किंग की व्यवस्था है, जहां आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। मालगुंड बीच रत्नागिरी में एक सुंदर और शांत बीच है। ये बीच हरियाली से और सुंदर प्रकृति से घिरा हुआ है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रहना चाहते हैं, तो मालगुंड बीच आपके लिए बिल्कुल सही जगह है। कोई कचरा नहीं, सिर्फ साफ पानी और साफ आसमान। यहाँ भी बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स का आनंद आप ले सकते हो। और अगर आपको कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी करनी है तो यहाँ पर चलने वाले पैरामोटरिंग का अनुभव आप जरूर लें, जिसमें आप आसमान में शानदार सवारी करके ऊपर से बीच का सुंदर नजारा एंजॉय कर सकते हैं। मालगुंड बीच में पानी में जाने से पहले वहाँ के स्थानीय लोगों से जरूर सलाह लें और ज्यादा गहराई में न जाएं। मालगुंड बीच पर आकर आप ये अनुभव करते हैं कि एकांत का, रोमांच का और सौंदर्य का इससे बेहतर संयोजन हो ही नहीं सकता। मालगुंड बीच पर अच्छा खासा एंजॉय कर अब हम चलते हैं कवि केशव सुत स्मारक की ओर। मालगुंड बीच से अगर हम दोपहर 12 बजे भी निकले तो आधे घंटे में करीबन दोपहर 12:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। नाम मात्र प्रवेश शुल्क देकर आप स्मारक में प्रवेश कर सकते हैं। गणपतिपुळे से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर मालगुंड गांव है, जो प्रसिद्ध मराठी कवि कृष्णाजी केशव दामले, जिन्हें कवि केशवसुत के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म स्थान है। कवि केशवसुत एक महान मराठी कवि थे, जिन्हें आधुनिक मराठी कविता का जनक कहा जाता है। उनका जन्म मालगुंड में 7 अक्टूबर 1866 को हुआ था। 39 साल के अपने छोटे से जीवन में उन्होंने केवल 135 कविताएं लिखी, लेकिन वे कविताएं मराठी साहित्य में अमर हो गई। उनमें से तुतारी, नवा शिपाई, स्फूर्ति, सतारी से बोल, झपुर्जा, घड़ियाल, हरपले श्रेय, मूर्ति भंजन, गोफण
ये कविताएं विशेष रूप से प्रसिद्ध है। 8 मई 1994 को कोंकण मराठी साहित्य परिषद की पहल से कवि केशव सूत जी के निवास को कवि केशव सूत स्मारक में बदल दिया गया, जिसका उद्घाटन कवि कुसुमाग्रज ने किया था। उस अवसर पर उन्होंने इस स्मारक की मराठी कविता के लिए तीर्थ स्थान के रूप में प्रशंसा की थी। जब आप कवि केशव सूत स्मारक में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको बाईं ओर कवि केशव सूत का 150 साल पुराना घर दिखाई देता है। इस घर में आप उस कमरे को भी देख सकते हैं जहां कवि केशव सूत का जन्म हुआ था। हरियाली से घिरे इस पुराने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया गया है। घर के पीछे एक खुली जगह है जहां कवि केशव सूत की लिखी प्रसिद्ध कविताएं ग्रेनाइट पत्थरों पर उकेरी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि आप इस स्मारक में 35,000 से भी अधिक पुस्तकों से सुसज्जित लाइब्रेरी, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स के लिए एक ओपन एयर थिएटर और प्रसिद्ध मराठी कवियों को समर्पित एक दालन भी देख सकते हैं, जहां कवियों की तस्वीरों के साथ उनके दुर्लभ कविताओं का संग्रह है। कवि केशव सूत स्मारक में अच्छा खासा समय बिताने के बाद अब हम चलेंगे पेट पूजा करने मेजवानी रेस्टोरेंट। कवि केशव सूत स्मारक से दोपहर 1:30 बजे निकले तो 15 मिनट में करीबन दोपहर 1:45 बजे तक पहुंच जाएंगे। मेजवानी रेस्टोरेंट एक छोटा रेस्टोरेंट है जहां स्वादिष्ट वेज और नॉन वेज भोजन मिलता है। सी फूड के लिए ये जगह विशेष प्रसिद्ध है। सी फूड में पापलेट, सुरमई, बोमबिल, बांगड़ा, प्रॉन्स लाजवाब मिलते हैं। मेजवानी रेस्टोरेंट के मालिक श्री विशाल नारकर और उनकी पत्नी बहुत विनम्र है। वे अपने आतिथ्य में कोई कसर नहीं छोड़ते। घर पर बना ताजा स्वादिष्ट कोंकणी खाना वे गर्मा गर्म परोसते हैं। मेजवानी रेस्टोरेंट में पेट भर खाना खाने के बाद अब हम मुंबई की ओर बढ़ेंगे। अगर हम दोपहर करीबन 3:30 बजे तक भी निकले तो मुंबई रात 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं अगली आइटिनरी में। जय हिंद।